नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोच टाइम बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी का सबसे बड़ा खबर निकल के आ रहा है मालदीप और इंडिया के रिलेशन को लेकर। ये बात तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ समारोह रखे हैं, जिसमें वो शपथ लेंगे भारत में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। और यहाँ पे कई सारे गेस्ट को बुलाया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मालदीप के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद म्यूजू को भी बुलाया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे खुशी का और ये बात बोल भी सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया के इन्फ्लुएंस के लिए काफ़ी अच्छा बात ये होने वाला है कि मालदीप भी यहाँ पे आ रहा है। और इन्होंने कन्फर्म किया है कि आज जो है उनके राष्ट्रपति जो है भारत के लिए रवाना हो जाएंगे शनिवार को। और यकीन कीजिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी बात है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि इंडिया और मालदीप का रिलेशन जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है आज के समय में, लेकिन अगर जियोपॉलिटिक्स के दृष्टि से देखा जाए तो मालदीप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडियन ओशियन में हमको अपना इन्फ्लुएंस रखना ही होगा। दोस्तों ये बात तो आप सभी अच्छे तरह जानते होंगे कि मालदीप काफ़ी हद तक एंटी इंडिया कंट्री बन चुका था, और उसे फिर से न्यूट्रल या प्रो इंडिया कंट्री बनाने के लिए हमको फिर से रिलेशन को बिल्ड करने पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं दिए तो हमें काफ़ी बड़ा अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि जब भी कभी चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ तो अगर मालदीप प्रो चाइना रहा तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक ये चीज़ होने वाला है। क्योंकि हमारे मेजर हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि बॉम्बे, उसी के साथ साथ चेन्नई और यहाँ पे मंगलुरु जैसे शहर सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है मालदीप से देखा जाए तो। और युद्ध के समय में अगर हमारे इस सब शहर पे बमबारी हुआ तो हमारा इकोनॉमी तबाह हो जाएगा। चाइना के हम जो बड़े बड़े शहर शंघाई या बीजिंग तक तो नहीं जा पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि अगर हम साउथ चाइना सी में जाएंगे भी तो कहाँ पे रुकेंगे। लेकिन वहीं पे चाइना को अगर मालदीप का सपोर्ट मिला तो काफ़ी हद तक अपने नेवी को मालदीप में आके पार्क करेगा, उसके बाद वो बमबारी कर सकता है। यकीन कीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमको न्यूट्रल करना ज़रूरी होगा। या तो न्यूट्रल करेंगे या तो इस कंट्री पर अगर हम अपना इन्वेजन करके अपना हिस्सा बना लें तो वो सही होगा, नहीं तो हमें न्यूट्रल करना चाहिए। और आज के समय में न्यूट्रल करना ही सही होगा, क्योंकि युद्ध के तरफ अगर जाएंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। काफ़ी एक छोटा सा भूमि के टुकड़ा के चक्कर में इंडिया पे काफ़ी सारा सैंक्शन लग सकता है, जिससे कि हमको काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी कारण से मालदीप को एक न्यूट्रल कंट्री बनाना ही हमारे पक्ष में होगा। आपका क्या कहना चाहिए प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि मेरा मानना यही है कि आज ये सोचते हैं मीडिया ग्रुप के नाते, और मैं अजय आपके साथ जो बातचीत शेयर करता हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं यही समझता हूँ कि आपके पास जो कुछ घटना घट रहा है वो आपको बताऊँ और आप खुद फैसला करें। क्योंकि जर्नलिज्म का काम ही यही है कि आपको तक खबर पहुँचाना, ना कि आपको अपना राय बताना। आप अपना राय खुद ही बनाइए। ये सब घटना इस पर आपका क्या कहना है, आप कॉमेंट बॉक्स में राय बता सकते हैं कि आपका इस चीज़ पर क्या कहना है। प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा।